जय जोहार लिखा हो। आज हम कक्षा छठवी विषय हिंदी पाठ 18 एकर शीर्षक है हमर कतका सुंदर गांव, ये छत्तीसगढ़ी कविता ला पढ़बो। एकर रचयिता है प्यारे लाल गुप्त जी। ये कविता मा कवि हा गांव के सुघरई के वर्णन करे है। हमर गांव हा लक्ष्मी माता के पांव से ही सुघर है। लीपे पोते घर द्वार है, कोठार माँ पहाड़ सही खरही गंजा है, तरिया माँ पक्का घाट बने हैं, खेत माँ पियर पियर सरसों फूले हैं और गांव के जम्मू मनखे मन आपस में राजी खुशी से रही थी। ऐसने भाव कवि हा ये कविता में प्रगट करे हैं। तो आओ हमन पढ़थन कतका सुंदर गांव कविता ला। हमर कतका सुंदर गांव, जैसे लक्ष्मी जी के पांव, घर उज्जर लीपे पोते जेला देख हवेली रोथे, सुघर चिकनाए भुइयां चाहे भात परुस लगियां। तो आइए बच्चों इसका हम भावार्थ समझते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारा गांव जो है वो बहुत सुंदर है। जिस प्रकार से लक्ष्मी माता का पैर सुंदर होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा गांव जो है वो बहुत सुंदर है। घर उज्जर लीपे पोते जेला देख हवेली रोथे, आगे कह रहे हैं और हमारे गाँव में घर जो है वो बहुत लीपा पोता स्वच्छ रहता है और उसको देख करके हवेली हवेली यानी बड़े बड़े जो महल हैं वो भी रोते हैं अर्थात फीके लगते हैं, क्योंकि हवेली है बच्चों तो बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण हवेली की साफ़ सफाई करना मुश्किल होता है। गांव का घर जो है बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए मस्त लिपाया पुताया स्वच्छ दिखाई देता है। सुघर चिकनाए भुइयां चाहे भात परुस लो गुइयां। और कवि बता रहे हैं कि गांव में हमारा जो फर्श है, गांव का जो घर का जो नीचे जमीन है, धरती है, वो इतना चिकनाया चिकना चिकना सुंदर है। वहाँ की धरती जो है बहुत सुंदर है, इसका फर्श इतना चिकना व साफ सुथरा है कि चाहे तो सखी इसमें खाना भी परोस सकती है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। अंगना माँ तुलसी चौरा, कोठा माँ बैला गरुआ, लखठा माँ कोला बारी, जहाँ बोथन साग तरकारी, ये है अन्नपूर्णा के ठाव। तो आइए इसका भावार्थ समझते हैं। अंगना माँ तुलसी चौरा, कवि बता रहे हैं कि हमारे गांव में बच्चों सबके घर में चौरा में तुलसी का पौधा जो है वो सुशोभित होते रहता है। कोठा माँ बैला गरुआ, और कोठा में गाय बैल रहते हैं, और पास में ही कोलाबारी है। कोलाबारी किसको बोलेंगे, जहाँ हम साग सब्जी उगाते हैं, है ना। तो जहाँ उबोथन साग तरकारी, अर्थात हम अपने पास में ही जो कोलाबारी है उसमें साग सब्जी को क्या करते हैं, उगाते हैं। इस प्रकार से हमारा गांव जो है अन्नपूर्णा अर्थात अन्न की देवी के धन धान्य से क्या है, परिपूर्ण है। बाहिर माँ खातू के गड्ढा, जह गोभर होते इकट्ठा, धरती ला रसा पिया थे, ओला पी के अन्न उपजा थे। आओ अब इखर हम भावार्थ समझथन। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं गांव के बाहर में खाद इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बनाया जाता है, और उस गड्ढे में हम क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा करते हैं और गोबर से खाद बना करके खाद को खेतों में डालते हैं बच्चों, और खेतों में इन खादों से खाद के डालने से अन्न का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। ल देख हमर कोठार, जहाँ खरही के गंजे पहार, गए है गाड़ा बरछा, जेखर लखठा माँ हवे मदरसा, जहाँ नित कूटे नित खाए। कवि कह रहे हैं कि हमारे गांव के कोठार में अनाज का भंडार लगा रहता है जो पहाड़ के जैसे दिखाई देता है। गन्ना की खेती होती है तो गन्ना लाने के लिए बैलगाड़ी से गन्ना को लाया जाता है। जेखर लखठा माँ हवे मदरसा, और गांव के पास में ही मदरसा है अर्थात बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशाला है। गांव के लोग सीधे सादे भोले भाले और बहुत परिश्रमी होते हैं बच्चों, परिश्रम करके अन्न उपजाते हैं और खाते हैं, और वे परिश्रम करके ही अपना जीवन चलाते हैं, खाना खाते हैं परिश्रम करके ही खाते हैं, और सादा जीवन उच्च विचार का जीवन वो लोग जीते हैं। जहाँ पक्का घाट बंधाए, चला चला तरैया नहाए, ओहो करिया सफा जल, जहाँ फूले है लाल कमल। कवि कह रहे हैं कि पास में ही अमरैया है, अमरैया यानि आम का बगीचा, और आम के बगीचे के पास ही बेर व मकैया फले हुए हैं,
फूले हैं सरसों प्यूरा, और अब बगीचे के पास ही बच्चों खेत भी है, तो खेतों में पीले पीले सरसों के फूल जो हैं वो खिले हुए खेत की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। उसको देख के कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से नई दुल्हन पीले रंग की साड़ी में बहुत सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार से हमारे गाँव के खेत जो हैं नई दुल्हन के समान सरसों का जो पौधा है वो पीला पीला बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। हमारे गांव में ना धूप लगती है ना छांव, यहाँ के लोग ना कूलर पंखे के आदि होते हैं ना एसी के आदि होते हैं, अर्थात गांव की जो प्राकृतिक जो हवा है वो ही इतनी अच्छी रहती है कि वो बहुत सुख देने वाली होती है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आपस मा होथन राजी, जह नहीं है मुकदमा बाजी, भेदभाव नहीं जानन, ऊंच नीच नहीं मानन। आइए बच्चों इन चार लाइन का हम भावार्थ देखते हैं। गांव के लोग आपस में होथन राजी, आपस में ही वो क्या रहते हैं, राजी हो जाते हैं, अर्थात वहां पर मुकदमाबाजी का कोई स्थान नहीं होता। जो भी गांव में झगड़ा होता है उस झगड़े का निपटारा गांव के लोग पंच सरपंच के द्वारा आपस में ही निपटा लिया जाता है। भेदभाव नहीं जानन, गांव के लोग जो है बच्चों भेदभाव नहीं जानते, ऊंच नीच नहीं मानन, अर्थात ऊंच नीच अमीरी गरीबी या किसी प्रकार का भेदभाव का वातावरण गाँव में बिल्कुल नहीं रहता है। सब लोग समभाव और समरसता का जीवन जीते हैं। आगे देखते हैं। सुख दुख मा एक हो जाती, जैसे एक दिया दूबाती, जह छल कपट न दुराओ, हमर कत का सुंदर गांव। तो बच्चों आइए इन सुंदर पंक्तियों का हम भावार्थ देखते हैं। सुख दुख मा एक हो जाती, अर्थात हमारे गांव के लोग सुख और दुख में क्या हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। जैसे एक दिया दूबाती, बच्चों जिस प्रकार से दिया एक रहता है लेकिन उसमें हम बत्ती कैसे लगाते हैं, दो बत्ती एक साथ लगाते हैं और दोनों बत्ती एक साथ जलता है और जल करके प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार से गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में एक हो जाते हैं। जहाँ छल कपट ना दुराव, और हमारे गांव में किसी प्रकार का छल कपट का या दुराव का कोई स्थान नहीं है, सभी लोग प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। हमर कत का सुंदर गांव, इस प्रकार से हमारा गांव जो है वो बहुत सुंदर है, यह गांव का वातावरण बहुत सुंदर होता है। तो लइका हो ये पाठ तुमल्ला अब बड़ अच्छा लगी सोही, बने से समझ में आ गई सोही। तो आओ अब हमन एखर प्रश्न उत्तर जो है तुमल्ला देख लेथन। तो देखो पहला प्रश्न है, गांव के घर मन ला देख के हवेली काबर दुखी होते। पढ़ाते समय मैं हाँ आप मल्ला एखर उत्तर बताए हूं। तो लइका हो एखर उत्तर ये हो ही कि गांव के घर मन ला देख के हवेली है एखर बर दुखी होते कि गांव के घर छोटे छोटे बने सुंदर गोबर में लिपे पुते सुघर दिखते, और हवेली है बड़े बड़े होते, बड़े बड़े होए के कारण उखर देख रेख नहीं हो सके, एखरे सेती गांव के घर ला देख करके हवेली है दुखी होते। अब हम देखथन दूसरा नंबर के प्रश्न ला, धरती है कैसे किस्म ले अन्न उपजाते। धरती है कैसे किस्म ले अन्न उपजाते, हमन पाठ में अभी पढ़े हन। तो गांव के बाहर में खातू के गड्ढा होते, गांव के मन गड्ढा में खातू के गड्ढा में जाकर के गोबर ला डालते, गोबर है थोड़ी दिन के बाद खातू बन जाते, और वो खातू ला किसान मन अपन खेत में ले जाके डालते, और धरती है गोबर के रस ला सोखते, और अन्न के अन्न उपजाते। आओ देखथन हमन तीसरा प्रश्न ला, कोठा मा काका जिनिस रखे जाते। त लइका हो एखर उत्तर हे तो कोठा मा गाय बछरू पैरा कुट्टी ये सब जिनिस ला रखे जाते। अब ये पाठ हो गए खत्म, तुमल्ला सब ये पाठ अच्छा से समझ में आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ गृह कार्य के एक ठन प्रश्न तुमल्ला लिखवात हूँ, वो प्रश्न के उत्तर तुमन अपन कापी में लिखू और अपन विषय शिक्षक ला जचवा ले हूँ। अपन गांव हा सब झल्ला सुघर लागथे, ये कहावत हवय। तुमन ला अपन गांव कोन कारण ले सुघर लागथे, सुघरई के वर्णन 10 वाक्य मा लिखो। तो एखर उत्तर तुमन ला लिखना है। तो लइका हो ये पाठ है यही मेर खत्म होते, अब अगली कक्षा में फिर से हमन मिलबो। जय जोहार।